नवाज शरीफ को बाहर अदालतों ने नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी डील का एतराफ कर लिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ भी मुल्जिम की हैसियत से अदालतों में पेश होते रहे हैं। उनको तो कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मर्सिडीज नहीं भिजवाई थी और ना ही जजेस के गेट से एंटर करवाया गया था। ये कैसा इंसाफ है? इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ मुल्जिम की हैसियत से पेश होता रहा है अदालतों के अंदर, कैद से भी आता रहा अदालतों में जब उसको कैद हो गई। इसी तरह और भी हमारे जोमा जो हैं लीडर जो है पेश होते रहे जो है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कभी उनको मर्सिडीज से नहीं भिजवाई थी और उनको जजेस की गेट से एंटर नहीं करवाया था। कैसा इंसाफ है, कैसा रिस्पेक्ट है अदलिया की रवायात का, इंसाफ के जो है तकाजे इस तरह पूरे होते हैं। सवाल किया गया, इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भी तो भेज दिया था, इससे पहले कौन से मुजरिम को ऐसे बाहर भेजा गया है? जिस पर ख्वाजा आसिफ ने फौरन कहा, नवाज शरीफ को बाहर इन अदालतों ने नहीं भेजा बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त का कोर्ट ऑर्डर भी एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, चले थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, प्रिविलेज ट्रीटमेंट तो हुई। एक सवाल ये भी किया गया कि सिर्फ परवेज इलाही साहब हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे नहीं पड़ रहे, बाकी सबकी गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ रहे हैं, क्या ये कोई हुस्न इत्तेफाक है? जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि परवेज इलाही की बड़ी सेटिंग है। उनकी बड़ी सेटिंग है जी। किसके साथ? वो जो अदलिया लाहौर में बैठी हुई, नाम भी ले देते हैं। उनके एक जज के साथ बड़ी सेटिंग है, वो मेरे साथ मेरी जमानत के बेंच में नहीं बैठता था।